क्या आपने कभी खाली वक्त में सोचा है कि अगर कल को नॉर्थ कोरिया के संकी तानाशाह ने भारत पर हमला कर दिया तो क्या होगा? आखिर वो मंजर क्या होगा जब दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच जंग होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन दोनों में जीत किसकी होगी? वेल, इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि वो कौन कौन से देश होंगे जो भारत का साथ देंगे और कौन मशरूम कट वाले किम जोंग से हाथ मिलाएंगे। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नॉर्थ कोरिया दुनिया के नक्शे पर मौजूद वो देश जिसका कोई भरोसा नहीं। तानाशाह का ये देश कभी भी कुछ भी करने को तैयार रहता है, इसलिए अगर उत्तर कोरिया किसी देश से जंग का ऐलान करता है तो उसे हल्के में लेना ठीक नहीं। वही अगर ये जंग भारत से हो तो सबसे पहले दोनों देश अपने समर्थन के लिए साथ ही चुनेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर वो कौन से देश होंगे जो इंडिया का साथ देंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है अमेरिका। अमेरिका इंडिया के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है, जिसकी वजह बायलेटरल ट्रेड के साथ कई दूसरी बातें हैं। वही ये बात भी दिमाग में रखनी चाहिए कि नॉर्थ कोरिया से अमेरिका की खटपट पहले से ही है, और यही वजह है कि आए दिन नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकाता रहता है। वही पॉसिबल है कि इस हाइपोथेटिकल जंग में दोस्ती निभाते हुए रशिया भी भारत का साथ दे। वैसे भारत के जितने अच्छे संबंध इसराइल और फ्रांस से है, उतना ही ज्यादा ये देश नॉर्थ कोरिया को खटते हैं, इसलिए ये देश भी भारत के साथ आने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर नॉर्थ कोरिया और भारत आमने सामने आते हैं तो नॉर्थ कोरिया के आसपास के देश भी भारत का ही साथ देंगे, जिसमें सबसे पहला नाम है जापान, जिसे नॉर्थ कोरिया की आड़ी टेढ़ी करतूतों से सबसे ज्यादा खतरा है। इसलिए एशिया में दबदबा कायम रखने के लिए जापान भारत का ही साथ देगा, क्योंकि जापान भी जानता है कि अगर नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर नहीं रोका तो अगला निशाना वही होगा। क्योंकि हाल ही नॉर्थ कोरिया ने कुछ मिसाइलों के परीक्षण किए थे जो बिना किसी परमिशन के जापान के ऊपर से उड़ा दिए गए थे, जिससे जापान का नॉर्थ कोरिया से उखड़ना लाजमी है। वही जंग के दौरान भारत के पास नॉर्थ कोरिया के दुश्मन नंबर वन साउथ कोरिया का भी समर्थन रहेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बंटवारे के वक्त से ही साउथ कोरिया के अमेरिका से अच्छे संबंध रहे हैं, जिसका नतीजा ये रहा है कि साउथ कोरिया में आज भी 28,000 अमेरिकी जवान तैनात है, जो जंग के वक्त नॉर्थ कोरिया के खिलाफ और भारत के मददगार साबित हो सकते हैं। वही अगर बात नॉर्थ कोरिया की टीम की करे तो यहाँ एक चीज गौर करने वाली है कि नॉर्थ कोरिया को हमेशा से ही चीन का साथ मिलता रहा है, और अगर चीन जंग में उतरा तो उसका कर्जदार पाकिस्तान भी बिना सोचे समझे यहाँ टूट पड़ेगा। वही अगर इसराइल और अमेरिका भारत का साथ देंगे तो ईरान भी स्वाभाविक रूप से नॉर्थ कोरिया का ही साथ देगा, और आप ये बात तो जानते ही है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया के संबंध पहले से ही काफी अच्छे रहे हैं। खबरें बताती है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया समय समय पर दुनिया से छिप छिपा कर हथियारों की डील भी करते हैं। वैसे यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि अगर इन दो न्यूक्लियर पावर्स की जंग होती है तो साउथ ईस्ट एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और पैसिफिक तक के देश शामिल हो जाएंगे, यानी कि अगर ऐसी कोई जंग होती है तो वो तीसरे महायुद्ध से कम नहीं होगी। लेकिन अगर बाकी देश सिर्फ बैकहैंड से मदद करते हैं तो विश्व युद्ध जैसे हालातों से बचा जा सकता है। मगर अब सवाल उठता है कि क्या भारत को वाकई नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए किसी बाहरी शक्ति की मदद चाहिए? तो उत्तर है नहीं, और उसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें दोनों देशों की ताकतों के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात डिफेंस बजट की, जिसमें भारत नॉर्थ कोरिया के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। हमारा बजट 4.5 लाख करोड़ का है, जबकि नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट केवल 1,02,000 करोड़ का है। वही एयरफोर्स के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो हिंदुस्तान के पास फ्रांस, अमेरिका और इसराइल से आए ताकतवर जेट विमान है, जिनकी संख्या करीब 2000 के आसपास है, जबकि दुश्मन के पास सिर्फ 600 से 700 एयरक्राफ्ट्स ही है। वही बैटल टैंक्स में भी भारत का पलड़ा भारी है। हमारे पास जहां करीब 6000 के आसपास मेन बैटल टैंक्स है, तो वही किम जोंग के देश के पास 3,500 बैटल टैंक्स है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ 35 लाख है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ 18 लाख की मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जो भारत से आधी है। ऐसे में दोनों देशों के बीच दो दो हाथ भी हुए तो भारत भारी पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए जो चिंताजनक बात है
वो है नॉर्थ कोरिया की ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बॉलिस्टिक मिसाइल, जिसमें सबसे बड़ा हथियार है हुआसोंग 15, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रोड मोबाइल मिसाइल माना जाता है। और इसकी खास बात यह है कि ये 13,000 किलोमीटर तक हमला करने की ताकत रखती है। इसके अलावा समुद्री ताकतों में तो 80 सबमरीन्स के साथ नॉर्थ कोरिया का पलड़ा भारत के मुकाबले भारी नजर आता है, क्योंकि भारत के पास अभी केवल 18 सबमरीन्स है। वहीं नॉर्थ कोरिया के पास 5,000 रॉकेट लॉन्चर्स भी है, जो सिर्फ 290 रॉकेट लॉन्चर्स वाले भारत के माथे पर शिकन ला सकता है। लेकिन अगर सबमरीन के बल पर नॉर्थ कोरिया आंख दिखाना चाहेगा तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी है। वही इस मामले में नॉर्थ कोरिया की जेब खाली है। इसके अलावा भी हमारे पास 15 फ्रिगेट्स, 20 कॉर्वेट और 11 डिस्ट्रॉयर जैसे नेवल एसेट्स है, जिसका मुकाबला करना नॉर्थ कोरिया के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। साथ ही भारत के पास ASAT यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी है, जो दुश्मनों की मिसाइल्स को हवा में ही ध्वस्त करने की ताकत रखती है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस जंग की शुरुआत भारत तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि भारत उन देशों में से है जो फैसला बहुत सोच समझ कर लेता है, साथ ही ये बात ध्यान में रखता है कि संबंध ना बिगड़े। वही नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ कोरिया वैसे ही बाकी देशों से कटा हुआ है, जिस कारण उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में दुनिया क्या सोचती है। खैर, इसका ये मतलब नहीं है कि नॉर्थ कोरिया हमला करेगा तो भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, क्योंकि ये आज का भारत है जो पहले के मुकाबले बहुत अलग है। ऐसे में अगर कभी नॉर्थ कोरिया अपनी औकात से ज्यादा उठता है तो भारत न्यूक्लियर हमला करने से भी पीछे नहीं हटने वाला है, जिसकी किम जोंग दूसरे देशों को सिर्फ और सिर्फ धमकियां देता फिरता है। वही अगर बात इतनी आगे बढ़ भी जाती है तो नेटो से लेकर UN की फोर्सेस भी भारत का ही पक्ष लेंगी। तो कुल मिलाकर ये बात साफ है कि जंग के लिए नॉर्थ कोरिया के पास ना पैसा है और ना ही उस मात्रा में हथियार और सिपाही। वही अगर कुछ देश मदद के लिए आगे भी आते हैं तो उन पर UN की तरफ से भी काफी दबाव रहेगा। वैसे इस जंग के ना होने का कारण ये भी है कि नॉर्थ कोरिया भारत जैसे देश के खिलाफ लड़ने के लिए सपोर्ट ही नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि दुनिया वाकिफ है कि भारत की सेना अपने दुश्मनों के साथ क्या क्या कर सकता है। क्योंकि ये जग जाहिर है कि दुनिया के नक्शे में भारत वो देश रहा है जिससे हर कोई दोस्ती करना चाहता है। वही अमेरिका को आंख दिखा रहा नॉर्थ कोरिया भी धीरे धीरे भारत से रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है। दोनों ने ही एक दूसरे के यहाँ अपनी अपनी एम्बेसी बना रखी है। सुनामी के दौरान भी नॉर्थ कोरिया ने भारत की मदद की थी। वही कोविड के दौरान UN के कहने पर भी भारत ने नॉर्थ कोरिया की आर्थिक मदद भी की थी। यानी फिलहाल तो भारत को नॉर्थ कोरिया से कोई खतरा नहीं है। इसी के साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।